हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जी, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ जो इनकम टैक्स इंडिया ने हम सबके लिए दी हुई है। जो वो सब लोग जिन्होंने अभी तक अपना फाइनेंशियल 18-19 का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर वो लोग जिन्होंने फाइल कर दिया है, उन सभी के लिए ये वाली खुशखबरी है। वो खुशखबरी है, मैं आपको उसका प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। ये है वो प्रेस रिलीज। ये प्रेस रिलीज 18 जुलाई को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। इसमें उन्होंने कहा है कि ये एक 11 डेज का, यानी तो फ्रॉम 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020, ये 11 डेज का एक ई कैंपेन रन कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एक जहाँ पे हमें सब जो भी हमारे रिटर्न में जो भी गलतियाँ थी, या फिर जो भी कमियाँ थी, जो जो इनके पास इंफॉर्मेशन आई थी हमने हमारे रिटर्न में शो नहीं करी, या फिर हमने हमारा रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो वो सब हमें यहाँ पे इनके जो एक पोर्टल रहेगा वाले पोर्टल पे सारे जो भी प्रॉब्लम रहते हैं जिनके बेसिस पे हमें इनकम टैक्स की नोटिस मिलती है, वो वाले नोटिस के जो भी मतलब पॉइंट्स रहेंगे ना, वो सबके सब अवेलेबल कराए जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स हमें वो वाले पोर्टल पे अवेल कराए जाएंगे। हम वो सारे पॉइंट्स देख के उन सभी पॉइंट्स के हमको वहाँ पे रिप्लाई देने हैं। रिप्लाई भी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू दी जाएगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन और ईयर, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, यानी तो आपको वाली इन्फॉर्मेशन आपके सबसे गलत है। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन रहेंगे। आपको सिर्फ 5 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप ऐसे कर देंगे तो ये 11 डेज के जो इन्होंने कैंपेन रन कर रहे हैं, इसमें जो भी लोग रिप्लाई दे देंगे अपने ये क्वेश्चन आयर्स जो भी है वो वहाँ पे देंगे, उन लोगों को नोटिस नहीं आएगी इनकम टैक्स गवर्नमेंट इनकम टैक्स की तरफ से। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं जल्दी जल्दी में, और हमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे रह जाती है। जैसे कि अभी हमने रिटर्न फाइल कर दिया, हमने रिटर्न में हमारे शेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई कि हमने भाई इतने शेयर खरीदे थे, इतने बेच दिए, हमने ट्रेडिंग की थी, इंट्राडे किया था, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे जो एजेंसीज हैं उन सबके साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है, जहाँ के थ्रू गवर्नमेंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनके डेटा एनालिसिस और सेटअप जो है उसके थ्रू उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जहाँ पर यदि आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है वाली इन्फॉर्मेशन उनको बैंक से मिल सकती है। आपके TDS और TCS रिटर्न जो है उसके बेसिस 26AS में जो आपको दिख जाता है, वो TDS और TCS रिटर्न में से वाली इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं किया है, वो आपने रिटर्न में शो किया है या नहीं किया है। फिर फॉरन रेमिटेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपने वो दिखाई है कि नहीं दिखाई है। GST के रिकॉर्ड उनको मिल जाती है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं दिखाई है, दिखाई है। इंपोर्ट और अदर ट्रांजेक्शन जो अपने सेबी के रिकॉर्ड में होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर डेरिवेटिव कुछ क्या होगा, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब के साथ में गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हैं, और सबका जो भी डाटा आपका है उनके पास वो सबका सब गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो यदि आपने इन सबसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके रिटर्न में नहीं दिखाई है तो आपको नोटिस आएगी। तो वो नोटिस आपको ना आए उसके लिए गवर्नमेंट ने ई कैंपेन रन किया है, जो कि 20 जुलाई यानी तो आज की डेट से शुरू हो गया है। आपको आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपके जो भी पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पर आपको नोटिस आ सकती है फ्यूचर में जाके, वो सारे पॉइंट आपको दिखाए जाएंगे, और आपको 11 डेज का टाइम दिया जाएगा वो सबका खुद ही होके वॉलंटरी कंप्लाई करने के लिए। वॉलंटरी कंप्लायंस उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है, जहाँ से आप 11 दिन के अंदर आपका जो भी ये है क्वेश्चन जो भी वो रेज कर रहे हैं उसका आप रिप्लाई दे दें, और ये एश्योर करेंगे कि आपको नोटिस ना आए। तो मैं जल्दी से प्रेस रिलीज को आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल सेट टू स्टार्ट ई कैंपेन फॉर वॉलंटरी कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉम मंडे 20 जुलाई 2020, द 11 डे ई कैंपेन एंडिंग ऑन 31 जुलाई 2020। ठीक है, तो ये 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। ये फोकस कर रहा है ऑन एसएससी और टैक्स पेयर हु आर इदर नॉन फाइलर और हैव डिस्क्रिपेंसीज और डिफिशियंसी इन द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल 18-19। यानी तो उन्होंने 18-19 में या तो उन्होंने फाइल ही नहीं किया है, या फिर फाइल किया तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है, डिफिशियंसी है, तो इन सबके लिए है ये, उन सबके ईज के लिए है। तो ये उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट लिखा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन टैक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद आईटी डिपार्टमेंट, वो सबके सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो सबको वैलिडेट कराने के लिए ये इनके ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली फॉर द
फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड प्रमोट वॉलेंटरी कंप्लायंस सो दैट दे डू नॉट हैव टू गेट नोटिस एंड स्क्रूटनी प्रोसेस एक्सेट्रा। तो यदि आप उसका वॉलेंटरी कंप्लाई करते, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप खुद ही ये सब चीज़ें कंप्लाई करते ताकि उनकी भी कॉस्ट बचे, वो भी आपको नोटिस भेजे हैं, वो आपको फॉलोअप लें, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आप सबसे स्क्रूटनी शुरू करें, आपको यहाँ से आपके जो वार्ड में जाना पड़े, फिर से चक्कर लगाने पड़े, उस पर डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट होती है। तो डिपार्टमेंट नहीं चाहती, डिपार्टमेंट भी चाहती है कि आप खुद ही आपका वॉलेंटियर करते हैं, आपको भी तकलीफ ना हो यहाँ पर आने की और उन्हें भी तकलीफ ना हो। तो आप खुद ही यदि वॉलेंटरी कंप्लाई करके ये सब प्रोसेस कर देते हैं तो आपको नोटिस नहीं आएगा, आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। The e-campaign is being run for the benefit of the taxpayer. Under the e-campaign, the Income Tax Department will send email or SMS to identify taxpayer who verify their financial transaction related to information received by the IT department from various sources such as SFT यानी तो Statement of Financial Transaction, इसके ऊपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, TDS, TCS, Foreign Remittance, etc. The department has also collected information related to GST, Export, Import and Transaction in Security, Derivative, Commodity, Mutual Fund, etc. under Information Triangulation, Setup and Data Analytics. It is stated that data analytics analysis has identified certain taxpayer with a high value transaction who have not filed return in financial in AY 1920 or relevant to financial accountants. यानी तो इन्होंने इनका जो डाटा एनालिसिस है, ये सबसे जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसमें जो डाटा एनालिसिस में इन्हें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन किए हैं लेकिन उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उसकी वजह से उन्होंने ये कैंपेन अभी चला रहे हैं। इन एडिशन टू द नॉन फिलर, अनदर सेट ऑफ रिटर्न फाइलर हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड वेरिन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डू नॉट अपीयर इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी तो एक तो वो हो गया जिन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, जिनके में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मिले हैं, उसके साथ साथ में ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न तो फाइल किया है लेकिन उनके रिटर्न में कोई भी हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अंडर द ई कैंपेन द टैक्स पेयर विल बी एबल टू एक्सेस डिटेल ऑफ देयर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन ऑन द डिजिग्नेटेड पोर्टल। दे विल आल्सो बी एबल टू सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स बाय सेलेक्टिंग अमंग एनी ऑफ द ऑप्शन। यानी तो ये करेक्ट है या नॉट फुल्ली करेक्ट, अदर पर्सन से रिलेटेड है, ये डुप्लीकेट है और ये मेरा नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो देयर वुड बी नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस एज रिस्पॉन्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो ये देखिए यहाँ पर वो क्लियर बोल रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है और आपको ये सब कुछ सब ऑनलाइन ही करना है। इट मे बी नोटेड द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एज वेल एज रिवाइजिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर AY 1920 एंड द फाइनेंशियल 18-19 इज 31 जुलाई। टैक्स पेयर इज रिक्वेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ई कैंपेन फॉर देयर ओन ईज एंड बेनिफिट। आपको आपके खुद के लिए ये करना है। तो आपको बता देता हूँ कि आपको ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे। आपको आपका लॉग इन करना है, पैन नंबर से आप लॉग इन करें, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहले तो आपका 26 AS चेक कर लेना है माय अकाउंट में से, व्यू योर फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर आपको TDS और TCS से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है कि गवर्नमेंट को TDS और TCS से जो रिटर्न होते हैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन दोनों का जो डाटा है वो आपको 26 AS में मिल जाता है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करें आपको रिटर्न फाइल करने से पहले। उसके बाद में आपको सेकंड जो नंबर पर जाना है वो है रिपोर्टिंग पोर्टल। अब देखिए यहाँ पे कंप्लायंस है, अब ये कंप्लायंस से रिलेटेड ये जो भी चीज़ आएंगी ना, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सब आपको यहाँ से मिलेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है यू विल बी डायरेक्टेड टू कंप्लायंस पोर्टल। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको कंप्लायंस पोर्टल पे ले जाएगा, ये आपका कंप्लायंस पोर्टल रहेगा। यहाँ पे आपको ये सारे कैंपेन मिल जाएंगे जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम होगी, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड और हाई रिस्क ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब भी यदि जिसका भी होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आप यहाँ से रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी जाके चेक करें, रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपको सारे आंसर देने हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन SFT
ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा आया था यहाँ पर, उन्होंने बोला था कि SFT से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये SFT में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, यदि आपने कोई हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे SFT में मिलेगा। जैसे कि आपने बैंक से कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, कुछ डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, तो आपको बैंक वाले जो है वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स को, तो वो सब यहाँ पर होते हैं। और साथ में बिजनेस में भी यदि आपने कोई हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जैसे कि आपने मान लो कि मोटर व्हीकल परचेज की है पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, तो वो भी SFT में जाता है। वो सब के सब ये यहाँ पे फाइल करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको ये सिलेक्ट करना है। रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सबमिट न्यू रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और पुराने को व्यू करने के लिए यहाँ से देखें। आप इसे कंटिन्यू करें, आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना वो आपको सब यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन कैश यदि होंगे, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हाँ किया है, नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन करंट अकाउंट, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हर एक की लिमिट है, वो लिमिट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप नेट पे खुद ढूंढ सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे सबसे रिलेटेड की हर किसी की लिमिट कितनी है, वो सब आपको नेट पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैश डिपॉजिट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ये हुआ, या फिर परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी है, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड है, बायबैक ऑफ शेयर है, परचेस ऑफ शेयर, डिबेंचर, क्रेडिट कार्ड, टाइम डिपॉजिट वगैरह, सबकी लिमिट है, वो लिमिट के ऊपर चलता तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, साथ में आप यहाँ से आपके ई प्रोसीडिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं। यदि कोई प्रोसीडिंग आपकी शुरू होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी वो प्रोसीडिंग, यहाँ पे जाके आप उसका एक्शन ले सकते हैं। अभी तो मैंने इसका रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया, बहुत पुराना है ये, मैंने बहुत पहले ही कर चुका था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहे, अदरवाइज आपको ऑप्शन दिखेगा एक्शन सबमिट करने के लिए। यहाँ पे आके आप फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये भी चेक करें, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है मुझे, कोई एक्शन लेना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे जो बोलेंगे आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है, यदि कुछ हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको क्या गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर लो ये सब सही है या नहीं है, है तो ओके करो, अदरवाइज जो भी आपके कमेंट हो दे दो। तो आप यदि ये इतना काम करेंगे तो फिर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी, ऐसा उनका कहना है कि ये 11 डेज की जो स्कीम है कैंपेन है, आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो सबके साथ वहाँ पे डिस्क्लोज कर दें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, यदि आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा विद इन सम आवर्स ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई होगी, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में करें, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।